हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कुशवाहा एंड आई एम पास आउट फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर इन 2015। आई एम ए केमिकल इंजीनियर एंड आई एम पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एडवेंचर। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसी को आप बोल सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे बना, या एटम का स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है, या एटम्स के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, या फिर किसने डिस्कवरी की, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम्स में किस टाइप से अरेंज होते हैं, तो उसी एटम के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। या फिर डिस्कवरी हुई तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें होंगी, और वहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या फिर पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के बारे में, उसमें चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना होता है, या फिर किसी भी एटम का मास कितना होता है, वो सब इस चैप्टर में डिस्कस होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब एटम का स्ट्रक्चर एक बार में तो बन नहीं गया, बहुत से लोगों ने अपने अपने मॉडल पेश किए, तो हम लोग एक पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अब रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, या फिर रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक हैं, तो वो सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। फिर रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, बोर के मॉडल के बारे में। फिर उसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे कि शेल क्या होती है, सब शेल क्या होती है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, या फिर ऑर्बिट क्या होता है, या फिर ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। एटम्स का एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है, या फिर एटम्स एक्चुअल में दिखता किस टाइप से है, तो ये सारी चीजें, यानी एटम्स के बारे में सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है ना। क्योंकि अब जैसा कि आपको पता ही है कि पूरी कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है, तो आपकी फिजिकल क्लासरूम में क्लासेस तो हो नहीं पा रही हैं, तो जब तक फिजिकल क्लासरूम में क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती हैं, तब तक हम लोगों की टीम ने मिलकर यह डिसाइड किया है कि तब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा फिजिकल क्लासेस से डिफरेंट होती हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, पढ़ते होगा आप लोग, तो उसमें क्या होता है, हम लोग अवेलेबल तो होते नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, टाइम से पूरी ईमानदारी से लेक्चर को देखना है, फिर लेक्चर को नोट भी करना है, ठीक है ना। और लेक्चर को नोट करने के साथ साथ आपको हर टाइम, मतलब इवनिंग में या फिर अगले दिन आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको काम करना है पूरी ईमानदारी के साथ, चाहे कोई देखे आपको चाहे ना देखे, आपको अपने लिए पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है ना, चाहे वो IIT JEE हो चाहे वो नीट हो, ठीक है ना। तो आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो प्लीज आप पढ़ाई में फोकस करिए, अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके पूछिएगा। तो देखो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, करते हैं। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले डाल्टन्स ने इसके बारे में बताया, तो इन्होंने क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी, और अपनी थ्योरी में क्या बताया कि जो मैटर होता है, अब मैटर क्या होता है, तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है और उसका मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है, मैटर है, ये मार्कर क्या है, ये भी मैटर है, ये बोर्ड क्या है, ये भी मैटर है, ये वॉल क्या है, ये भी मैटर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं पूछूं आपसे कि मैटर क्या नहीं होता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स हो गई, ये मैटर नहीं है, इमोशंस हो गए, ये भी मैटर नहीं है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि मैटर क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि कोई भी अगर मैटर है, तो मैटर क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे हम लोग भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, वैसे ये भी क्या होगा, मार्कर भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उस स्मॉल पार्टिकल यानी मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं।
तो यहां पे डाल्टन ने क्या बोला, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, यानी जो मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक है, अब एटम इतना छोटा होता कि अब हम लोग उसको और डिवाइड नहीं कर सकते, यानी एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और एटम्स के बारे में क्या बोला गया है, दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एटम को आप और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एटम सबसे छोटा होता है इनके अकॉर्डिंग, और एटम्स को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो यहां तक आपको तीन पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, तो इन्होंने बोला देखो लाइक माने क्या होता है, सेम। उन्होंने बोला अगर आपने एटम सेम ले लिया ठीक है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, बट अगर आपने एटम डिफरेंट ले लिया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इन्होंने बोला कि मैंने मान लो एग्जांपल H2O ले लिया, फिर और एक मैंने क्या ले लिया CH4 ले लिया, तो उन्होंने बोला कि H2O में जो हाइड्रोजन है और CH4 में जो हाइड्रोजन है दोनों में अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, ये सेम होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर जो हाइड्रोजन यूज हुआ है और यहां पर जो हाइड्रोजन यूज हुआ है दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम टू सेम है, ऐसा इन्होंने बताया। तो वही बोले एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर लाइक, यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के तुमने एटम ले लिया हाइड्रोजन दोनों साइड में वो लाइक मतलब दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, डिफर मतलब अगर आपने एक ऑक्सीजन ले लिया और एक हाइड्रोजन ले लिया तो वो दोनों डिफरेंट होंगे, यानी सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी और डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। यानी दुनिया में तुम कहीं भी हाइड्रोजन ले लो, अगर तुम हाइड्रोजन ले रहे हो तो चाहे वाटर का हाइड्रोजन लो चाहे CH4 का लो, वो दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, सेम होंगे, अगर आपने एलिमेंट सेम लिया है। अगर आपने एलिमेंट डिफरेंट लिया है तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। कैसे, जैसे देखो यहां पर अगर आप हाइड्रोजन ले लो और यहां पर हाइड्रोजन ले लो तो दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर ऑक्सीजन ले लिया और यहां पे हाइड्रोजन ले लिया तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ले लिए तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों का मास क्या है, अलग अलग है। ऑक्सीजन का मास अलग होता है और हाइड्रोजन का मास डिफरेंट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहे हो? ठीक है, अब बोला कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के वो क्या करते हैं, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट कुछ एटम्स। इनर्ट गैसेस होती है सिर्फ वो स्टेबल होती है, बाकी सारे एटम्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, मतलब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, तो तब तक आप वेट करिए। तो एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा कंबाइंड करके मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। तो एटम से जब मॉलिक्यूल बनता है तो क्या होता है, उसमें बॉन्ड्स बनते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बॉन्ड भी बहुत टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और वीक बॉन्ड भी होता है। तो बॉन्ड के बारे में कब डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में, नाम पता चल रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग, यानी वहां पर हम लोग बॉन्ड के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे और यहां पर एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहे हो? तो यहां मुझे एटम से मॉलिक्यूल नहीं बनाना है, क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल बनेगा तो बॉन्ड की बात होगी, वो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस होगा, यहां डिस्कस नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहां हम लोग मेनली एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोला है कि एटम्स क्या होते हैं, तो ये डाल्टन ने बोला एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो बच्चों ये वाली थ्योरी आपको समझ में आ गई, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। तो बच्चे देखो आपको ये थ्योरी समझ में आ गई है, मैंने 5 पॉइंट डिस्कस कर दिए, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों इनकी थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक भी थे, मतलब इनकी थ्योरी का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या कहता मैं वो बताने वाला हूं। तो इन्होंने क्या बोला कि मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, और एटम बोला कि डिवाइड नहीं होता, इनके अकॉर्डिंग एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तब तक एटम को किसी ने डिवाइड किया ही नहीं था, तो इन्होंने बोला कि एटम को डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एटम भी डिवाइड हो गया, यानी ये देखा गया कि एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं,
यानी एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब इनकी डिस्कवरी हो गई तो देखा गया ये एटम्स के अंदर होते हैं, यानी एटम भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जबकि इन्होंने बोला कि एटम डिवाइड हो ही नहीं सकता है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनका गलत हो गया। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? चलो ठीक है। अब इन्होंने एक बात क्या बोली कि एटम जो होगा किसी भी एलिमेंट का, अगर आपने एटम ले लिया ठीक है ना, तो उसकी अगर सेम एलिमेंट लोगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। इनके अकॉर्डिंग अगर आपने हाइड्रोजन का एटम ले लिया, दुनिया में किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन का एटम ले लो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी इनके अकॉर्डिंग। जबकि ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता, देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस पार्ट को रब करता हूं। इनके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई। तो देखो बच्चों आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, ये सेम होता है, जबकि सॉरी इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, जबकि एटॉमिक मास क्या होता है, ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे कि बच्चों देखो किसी भी एलिमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो इस जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट का अगर ये वाला नंबर सेम है और ये वाला नंबर अलग अलग है उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तो देखो मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे हाइड्रोजन के, मैं ऐसे देखो बहुत से एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं हाइड्रोजन का। देखो बच्चों हाइड्रोजन नेचर में तीन फॉर्म में पाया जाता है, एक 1H1 होता है ना, और एक होता है 1H2 होता है, और एक होता है 1H3 होता है। यानी इसका मैं मोलर मास की बात करूं तो 1 ग्राम होगा, इसका मोलर मास 2 ग्राम होता है, और इसका मोलर मास 3 ग्राम होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो तीनों का नाम अलग अलग है। तो यहां पर देखो इन्होंने बोला कि अगर आप एलिमेंट सेम लोगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। यानी अगर तुम CH4 में जो हाइड्रोजन है और वाटर में जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम है। इन्होंने बताया कि दुनिया में कहीं भी अगर हाइड्रोजन लोगे वो सारे सेम होंगे, बट ऐसा देखा गया कि नेचर में तीन टाइप से हाइड्रोजन होते हैं। अब तीनों हाइड्रोजन सेम नहीं होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे मैं बात करूं मास, इन तीनों का मास अलग अलग है, तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग है, और तीनों में ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि ये वाला एलिमेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। यानी इनका ये वाला स्टेटमेंट भी फेल हो गया कि अगर आपने एलिमेंट सेम लोगे तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इन्होंने ऐसा बताया था, जबकि ऐसा नहीं होता। एलिमेंट सेम होने के बाद भी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ये कब फेल हुआ, जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि एटॉमिक मास अलग अलग होता है, मतलब डिफरेंट होता है। क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो अभी मैंने आपको डिस्कस किया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, वो थ्योरी क्या थी उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, और उसके ड्रॉबैक क्या थे, वो थ्योरी क्यों फेल हो गई उसके बारे में मैंने डिस्कस किया आपसे, ठीक है। तो उनकी थ्योरी ये थी कि एटम्स डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है ना, जबकि एटम जब डिवाइड हुआ कब, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो देखा गया एटम भी डिवाइड हो रहा है, जबकि डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम डिवाइड हो ही नहीं सकता है, इसलिए उनकी थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है। तो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेजे थॉमसन ने, ठीक है। अब जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी कैसे की, क्वेश्चन अब ये आता है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वो एक दिन सुबह सुबह सो के उठे होंगे और बोलते होंगे कि चलो आज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी कर दी, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। इसके पीछे भी कोई ना कोई क्या होगा, रीजन होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना, आपको कब पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है। तो वहां हम लोग पढ़ेंगे माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। उन्होंने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया था, और उससे उन्होंने क्या की थी, इलेक्ट्रिसिटी पास की थी। तो उन्होंने क्या देखा माइकल फैराडे ने, कि जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है,
और उस केमिकल रिएक्शन की होने की वजह से तो वहां पे क्या होता है, एनोड और कैथोड में कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में डिटेल में कब डिस्कस करेंगे हम लोग, क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां ये सब डिस्कस होगा, तो यहां आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको यहां क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखो जे.जे. थॉमसन ने क्या किया, उसी देखो एक्सपेरिमेंट का यूज किया। तो जे.जे. थॉमसन ये सोचते थे कि जो लाइटनिंग का फेनोमिना होता है, लाइटनिंग मतलब जो बारिश होती है, देखो बिजली कड़कती रहती है ना, तो लाइटनिंग के फेनोमिना को समझने के लिए जे.जे. थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि लाइटनिंग का फेनोमिना अगर नेचर में हो सकता है, अगर मैं वैसा इन्वायरमेंट या वैसा मैं इन्वायरमेंट अगर मैं लैब में क्रिएट करूं तो लैब में भी क्या होगी, क्या वो प्रोसेस हो सकती है, ऐसा सोचना था किसका, जे.जे. थॉमसन का। तो इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, देखो किसको, लाइटनिंग के फेनोमिना को समझने के लिए उन्होंने एक यहां पर ट्यूब लिया, ठीक है। देखो मैं आपको अच्छे समझाता हूं, पहले तो देखो यहां पर यह ट्यूब लिया, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, देखो इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे मैंने दो इलेक्ट्रोड बना दिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको मैंने माइनस चार्ज से कनेक्ट कर दिया, तो इसलिए हम लोग इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, कैथोड इलेक्ट्रोड बोलेंगे, जिसपे चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव चार्ज से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड इलेक्ट्रोड बोलेंगे, तो मैं लिख देता हूं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। एनोड इलेक्ट्रोड, ये कैथोड इलेक्ट्रोड, इस पे चार्ज क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड में उन्होंने क्या कर दिया, होल कर दिया, होल मतलब छेद कर दिया, ठीक है। और इस होल को हम लोग, इस होल कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोड में मैंने होल कर दिया, या बोल सकते परफोरेटेड एनोड इलेक्ट्रोड, क्लियर है आप लोगों को, चलो ठीक है। अब अच्छा देखो ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, एक तो मैंने आपको बताया माइकल फैराडे को बताया, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उन्होंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे एनोड और कैथोड में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये आपको क्लास 12 में पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अब जो देखो लाइटनिंग को फेनोमेना को समझना था इनको, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब लाइटनिंग का फेनोमेना कहाँ होता है, बहुत ही ज्यादा हाइट पर होता है, और जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। और जहां पर लाइटनिंग होती है प्रेशर डिक्रीज करेगा, मतलब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करोगे एयर भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। और जैसे बहुत ज्यादा हाइट पर जाओगे वैसे वैसे क्या होगी, एयर डिक्रीज करते करते तो खत्म ही हो जाएगी। यानी उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर क्या किया, पहले यहां पे वैक्यूम किया, ठीक है, वैक्यूम मतलब इसके अंदर सारी एयर क्या कर दी, बाहर निकाल दिया, तो यहां पे वैक्यूम हो गया। अब उन्होंने क्या देखा, जैसे जैसे हम लोग हाइट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है। यानी उन्होंने इसके अंदर क्या ले लिया, लो प्रेशर ले लिया, क्योंकि बहुत ही हाइट पर क्या होता है, प्रेशर बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगी, एयर डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब एयर क्या होगी, और ऑक्सीजन भी डिक्रीज करेगी, एक टाइम बाद क्या होगा, एयर कमी खत्म ही हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म ही हो जाएगी। यानी बहुत ही ज्यादा हाइट पर क्या होगा, इनर्ट गैसेस मिलेंगी या बहुत ही हल्की गैसेस मिलेंगी। हल्की गैसेस जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनर्ट गैसेस जैसे क्या हो गया, हीलियम हो गया। तो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट लिए और उन्होंने हर बार गैसेस को चेंज भी किया। तो उन्होंने एक बार हाइड्रोजन लिया, एक बार हीलियम लिया, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो आपका जो मैंने वो ले लो, तो चलो मैं इनमें से कोई एक ले लेता हूं, तो बताओ मैं क्या लू। तो चलो मैंने यहां पर क्या ले लिया, यहां पे मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है। अब बच्चों उन्होंने क्या देखा, देखो जो ड्राई गैसेस होती है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट अंडर लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया। तो जैसे आप यहां पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस करोगे, तो उन्होंने क्या किया, देखो अब यहां पर देखो उन्होंने क्या किया, यहां पर भी क्या ले लिया,
यहां पर जेडन एस की क्या ले ली इन्होंने, स्क्रीन ले ली। अब जेडन एस की स्क्रीन क्यों ली, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होती है, जैसे यहां पर कोई लाइट पड़ेगी वैसे ही ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ में है आपको, कि यहां पर लो प्रेशर क्यों लिया, हाइड्रोजन गैस क्यों ली, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लिया, या फिर ये वाली स्क्रीन क्यों ली, ठीक है। और कैथोड पे चार्ज निगेटिव होता है, एनोड पर पॉजिटिव होता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और देखो दूसरी बात, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, तो आज आपका होमवर्क है कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, जितना मैं पढ़ाऊंगा वहां तक, ठीक है ना। तो बच्चे देखो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपका ये सब चीजें आपसे आईआईटी जेईई या नीट में नहीं पूछी जाएंगी, ये आपसे सिर्फ बोर्ड में पूछी जाएंगी, इसलिए मैं आपको जल्दी बता देता हूं। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। तो बच्चे नेक्स्ट यहां पर, तो उन्होंने देखो क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा जैसे यहां पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस किया, वैसे उन्होंने देखा कि यहां पर ग्लो करने लगा, ये चीज ग्लो कर रही थी। अब उन्होंने देखा ये चीज ग्लो क्यों कर रही है, ठीक है ना, इस ये ग्लो कर रही है इसका मतलब यहां पर कोई लाइट आ रही होगी। अब लाइट यहां पर कैसे आ रही है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक रेज है जो कैथोड से निकल रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, एनोड डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या है, होल है, और जैसे वो होल से पास कर रही है वैसे वो क्या कर रही है यहां पर, जैसे हिट कर रही है। अब लाइट, अब ये तो है लाइट सेंसिटिव, तो जैसे यहां पे कोई रेस पड़ेगी वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है ना। तो इस ग्लो करने को, जो ग्लो कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही, तो आपको बोलेगा कि यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर फ्लोरोसेंस हो रहा था, मतलब जैसे लाइट पड़ी वैसे ग्लो करने लगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। एक और होता है यहां पर, क्या होता है, देखो फॉस्फोरेसेंस होता है, ठीक है ना, स्पेलिंग सही लिखी हुई है, आर ई एस सी, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई लाइट यहां पड़ेगी ये तुरंत ग्लो करेगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। अगर लाइट पड़ेगी कुछ टाइम बाद ग्लो करेगा, उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आया, तुरंत ग्लो करेगा तो फ्लोरोसेंस, कुछ देर बाद ग्लो करेगा तो फॉस्फोरोसेंस, क्लियर है। जैसे आप कैमरे से पिक्चर लेते हो, ठीक है, एक फंक्शन होता है कि जैसे क्लिक करोगे वैसे पिक्चर ले हो जाएगी, वैसे पिक्चर क्लिक हो जाएगी, वैसे फ्लोरोसेंस हो गया। अब एक ऐसा होता है कि जैसे क्लिक करोगे उसे 5 सेकंड बाद आपने टाइमर लगा दिया, 5 सेकंड बाद फोटो क्लिक होगी, तो उसको क्या बोलोगे, फॉस्फोरोसेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चलो ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे उन्होंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस किया वैसे देखा कि ये चीज ग्लो कर रही थी। अब ये ग्लो क्यों कर रहा था, क्योंकि यहां पे कोई रेज आ रही थी, और उस रेज का नाम इन्होंने क्या दिया, उस रेज को उन्होंने बोला ये रेज है कैथोड रे। अब कैथोड रे क्या होती, कैथोड रेज कैथोड से निकलती है, तो कैथोड रे क्या होगी, कैथोड टू एनोड डायरेक्शन में जाती है, और कहां से निकलती है, कैथोड से, क्लियर है। अब उन्होंने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या किया, यहां पर इस साइड में एक व्हील रख दिया, देखो एक लाइट व्हील रख दिया, ठीक है, व्हील मतलब एक, ठीक है, समझ गए होगे व्हील मतलब। तो यहां जैसे इन्होंने व्हील रखा, जैसे रेज यहां पे पड़ी रेज, वैसे व्हील क्या करने लगा, रोटेट करने लगा, ठीक है। तो उन्होंने जैसे यहां पे व्हील रखा इस टाइप से, देखो इस टाइप से व्हील रखा उन्होंने, तो जैसे देखो यहां पे ऐसे कैथोड रे, ऐसे रेज आ रही थी, जैसे यहां पे रेज पड़ी वैसे रोटेट करने लगा। इसका मतलब उनको यहां से आइडिया लग गया कि ये रोटेट कर रहा, मतलब इससे मोमेंटम आ गया, यानी इस रेज में क्या है, ये जो कैथोड रे इसमें पार्टिकल है, यहां से आइडिया लग गया कि इसमें क्या है, इस रेज के अंदर पार्टिकल्स है। क्या मेरी बात समझ में आई, तो उनको इस व्हील रखने से आइडिया लगे कि पार्टिकल्स है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और प्रोसीड किया, आगे बढ़ाया। अब उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने यहां पर, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूं, यहां पर उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है। तो जैसे यहां पे प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये रेस क्या हो रही, थोड़ा सा डेविएट कर गई, इस डायरेक्शन में क्या हो गई, डेविएट कर गई। अब यहां पर यानी उनको आइडिया, कैथोड रे है, कैथोड रे के अंदर क्या है, पार्टिकल्स है। अब पार्टिकल्स है तो कोई ना कोई चार्ज भी हो सकता है,
या फिर हो सकता है वो न्यूट्रल हो। तो चार्ज को चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो जैसे प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, वैसे ये रेज इधर डेविएट कर गई। इसका मतलब इस कैथोड रे में जो पार्टिकल्स हैं उनमें चार्ज कौन सा होगा, निगेटिव है ना। तो उसमें चार्ज कौन सा होगा, निगेटिव चार्ज होगा उस पार्टिकल में। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब यहां पे प्लस है तो इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस पार्टिकल का उन्होंने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है ना। मैं आपको फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जेजे थॉमसन ने किया था। ठीक है, यहां पे क्या लिया था, हाई पोटेंशियल डिफरेंस लिया था, ठीक है, और यहां पर लो प्रेशर लिया था, और यहां पर कोई भी गैस ले लो तुम, हल्की गैस, इनर्ट गैस, कोई भी गैस ले लो, मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, और लो प्रेशर होना चाहिए। लेकिन अब कैथोड जिसपे माइनस चार्ज होगा वो कैथोड होगा, प्लस वाला एनोड होगा, ठीक है ना। इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। जेड एन इसकी स्क्रीन क्यों लगाई, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होती है, जैसे यहां लाइट पड़ेगी तुरंत ग्लो कर देगा तो फ्लोरोसेंस हो जाएगा, कुछ देर बाद ग्लो करेगा तो फॉस्फोरोसेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहां तक समझ में आ गया, जैसे यहां पे व्हील रखी उन्होंने देखा ये ग्लो कर रहा, मतलब कोई रेज कैथोड से एनोड आ रही है, कोई रेज आ रही है, उसको बोला कैथोड रे है, ठीक है। अब रेज या कुछ या कुछ पार्टिकल भी हो सकते हैं, तो पार्टिकल को चेक करने के लिए उन्होंने एक व्हील रख दिया, तो वो रोटेट करने लगा, मतलब उस रेस के अंदर पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स से तो कुछ ना कुछ चार्ज भी हो सकता है, तो चार्ज को चेक करने के लिए क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो वो प्लस चार्ज को डेविएट कर गई, इसका मतलब उस पर निगेटिव चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्ज ही हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और उस पार्टिकल का नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करो, उसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसके बाद में आपको डिस्कस करता हूं उसके आगे का पार्ट। तो बच्चे देखो, अभी मैंने आपको डिस्कस किया जो कैथोड रेज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करती है, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको यहां पर समझाने को ट्राई करता हूं, तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, बट आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना, तो समझने को ट्राई करो। तो बच्चे देखो, ये दो इलेक्ट्रोड है, इसको मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया माइनस पार्ट से, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कैथोड बोलूंगा। इसको प्लस चार्ज से कनेक्ट किया तो उसको क्या बोलूंगा, ये एनोड है, ठीक है। तो कैथोड से क्या हो रही है, एक रेज निकल रही है जो किस डायरेक्शन में जा रही है, एनोड डायरेक्शन में जा रही है, और उसी रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड रे बोलेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फील्ड मैंने नहीं लगाई है, तब क्या होगा, ये रेज सीधे निकल जाएगी। और यहां पर देखो मैंने क्या लगा रखा है, देखो बच्चों यहां पर मैंने लगा रखा है जेड एन एस की स्क्रीन लगा रखी है, और जेडेस की स्क्रीन क्या होती है, लाइट सेंसिटिव होती है, जैसे रेस पड़ेगी वहां ग्लो करने लगेगा, ठीक है ना। तो वैसे यहां पर जैसे क्या होगा, तुम कोई भी फील्ड ना लगाओ, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, यहां वाला पॉइंट क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। तो जैसे ग्लो करेगा मैं समझ जाऊंगा कि यहां पर कैथोड रेज आ रही है, तो वो क्या आ रही है, कैथोड टू एनोड डायरेक्शन में आ रही है। कब, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी हुई है, समझ में आ रही बात आप लोगों को, चलो ठीक है। अगर मैंने मान लो क्या लगा दिया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो जैसे मान लो ये ए है, ए वाला ग्राफ मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अच्छा मैंने क्या किया, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो जैसे आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, देखो ध्यान से। तो इस रेज में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस रेज में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मैंने बताया था कैथोड रे में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जैसे आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, मैं लिख दे रहा हूं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे वैसे ही रेस क्या होगी, प्लस की ओर डेविएट कर जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है उसमें चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो प्लस और माइनस क्या करेगा, दोनों को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, रेस उस साइड में शिफ्ट होगी, डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये देखो ऐसे होगी, थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ये क्या होगी, ऐसे जाएगी, अब ऐसे जाएगी, यहां पे डिटेक्ट होगा। तो ये क्या मैंने बी बोल दिया, बी मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी समझ में आ रही बात आप लोगों को,
ठीक है ना। तो ये क्या था, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या था, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है। अब अच्छा मैंने क्या किया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने हटा दी, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं। तो देखो ये वाला ट्यूब ऐसा रखा हुआ है, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाऊंगा, ये वाले पोल में बोलो नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, और ये वाला पोल क्या, साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, देखो ये वाला कौन सा है, साउथ पोल, और ये क्या है, नॉर्थ पोल। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाओगे, इस टाइप से मैं लगा रहा हूं, तो ये क्या है, साउथ पोल, और ये वाला क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है आपका, डिस्चार्ज ट्यूब है। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो देखो अब क्या होगा, फिर डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन देखो इस टाइप से होगा, ये डिफ्लेक्शन होगा सी, ये क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देखो समझ जाओ, मैं आपको देखो बताने को ट्राई कर रहा हूं। तो यहां पर इस साइड में, बाहर साइड में क्या होगा, साउथ पोल, और इसके उस साइड में, बोर्ड की साइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो मैं इसमें आपको देखो, चलो ट्राई करता हूं समझाने के लिए, मैं बनाने के लिए ट्राई करता हूं, ठीक है। तो यहां पे होगा नॉर्थ पोल और यहां पर होगा साउथ पोल, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे लगा दिया, तब ये डिफ्लेक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को, मैं फिर से बता रहा हूं, ए विदाउट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये विद इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये विद मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और वैसे भी आपको ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और आपको ये इसमें नोट करने की जरूरत है नहीं, आपको एनसीईआरटी में पूरी एक लाइन दी हुई है, बस आप एक बार जरूर रीडिंग जरूर मार लेना, ठीक है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं अब लिखवाने वाला हूं, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है अभी, तो मैं जब नोट कराऊंगा तो उससे कॉपी कर लेना आप लोग, ठीक है। तो बच्चों देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि कैथोड रे क्या होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करती है या डिफ्लेक्ट करती है, अभी जस्ट डिस्कस किया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, उतना ज्यादा क्या होता है, डेविएशन होता है, मतलब डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, या जितना कम मास होता है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, उसी डिफ्लेक्शन की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू निकालते हैं। ये किसने निकाला था, ये जेजे थॉमसन ने निकाला था, मैंने नहीं निकाला है, ठीक है ना। तो किसने निकाला है, जेजे थॉमसन ने। अब देखो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, अभी कैसे निकाला जाता है ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं जानना है हम लोगों को, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल टू मास ऑफ द पार्टिकल, यानी चार्ज मतलब चार्ज बाई मास के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या होता है, किसी भी चार्ज का पार्टिकल का चार्ज डिवाइड बाई किसी भी पार्टिकल का मास, इस रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो क्या किया, देखो जेजे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है ना। और स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही थी, तो एक एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया, जो जस्ट पहले वाला मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था। अब कैसे कैलकुलेट किया वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। कितनी वैल्यू आ रही वो भी हम लोगों को नहीं जानना है, आपको जानना क्या है कि उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू क्या थी, यहां पर कॉन्स्टेंट थी, ठीक है। कॉन्स्टेंट मतलब नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रही थी। कैसे, देखो उन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू निकाली, एक बार डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया, फिर ये वाली वैल्यू निकाली, देखा वैल्यू क्या थी तुम्हारी, कांस्टेंट थी। कितनी थी, चलो मैं वो भी लिख देता हूं, ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। तो उन्होंने क्या किया, एक बार डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लिया, फिर उन्होंने क्या किया, ई बाई एम का रेशियो निकाला, ठीक है। चार्ज मतलब क्या हो गया, चार्ज इलेक्ट्रॉन में कितने का होता है, ई का होता है, और मास कितने का होता है, एम का होता है, ठीक है ना। तो यहां से ई बाई एम का रेशियो आ गया, जिसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। कैसे आया हम लोगों को नहीं जानना है, ठीक है। उन्होंने एक बार हाइड्रोजन गैस ली डिस्चार्ज ट्यूब में, फिर ई बाई एम की वैल्यू निकाली, देखी इतनी आ रही है, फिर उन्होंने गैस चेंज कर दिया, फिर उन्होंने हीलियम गैस लिया, फिर ई बाई एम की वैल्यू निकाली, फिर भी सेम थी, फिर तीसरी गैस ली, फिर देखा फिर भी ई बाई एम की वैल्यू सेम थी। मतलब E by M चेंज नहीं हो रहा था नेचर ऑफ गैस पर, यानी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो लिखा हुआ these days मतलब कैथोड रे की बात हो रही है, इनडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस,
यानी कैथोड रे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है. क्यों? क्योंकि वो कैथोड रे कैथोड से निकलती है, इसलिए नहीं डिपेंड नहीं करती है. ठीक है ना. अब देखो फिर उन्होंने क्या किया, कैथोड को मटेरियल को चेंज किया और हर बार अलग अलग मटेरियल लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा E by M की वैल्यू फिर भी सेम आ रही थी. मतलब वो कैथोड मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी. क्या मेरी बात समझ में आई? तो दीज रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. यानी इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी और नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी. क्या नहीं डिपेंड कर रहा था? E by M का रेशियो. ठीक है, ये वैल्यू क्या थी? कॉन्स्टेंट थी. बस आपको इतना याद रखना है, आपको ये वाली वैल्यू बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है. आपको ये याद रखना है कि E by M का रेशियो क्या था? कॉन्स्टेंट होता है. और ये आपसे पूछा जाएगा मेन एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होंगे. E by M की वैल्यू क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है. ठीक है ना. चलो फिर ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को रफ कर दूं. अब देखो बच्चों, इसी में मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं. देखो क्या, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? पहली बात तो निगेटिव चार्ज होता है. और कितने का होता है? माइनस, मतलब निगेटिव 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का होता है. ठीक है ना. अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी? मिलिकन ने कैलकुलेट की थी. कैसे कैलकुलेट की थी भाई? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए लोग माइनस करके दिखाते हैं. और कितना होता है? ये मैग्नीट्यूड होता है. और किसने कैलकुलेट किया था? मिलिकन ने कैलकुलेट किया था. कैसे किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से किया था. ठीक है. अब ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट आपको अभी ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहां से आप पढ़ के ये वाली वैल्यू नहीं निकाल सकते हो. इस वैल्यू निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल करके हम लोग ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो ये आपको फिजिक्स में ये वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तब तक आप वेट करो. तो फिजिक्स वाले सर आपको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएंगे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे. ठीक है ना. तो ये फिजिक्स का पार्ट है, तो एनसीईआरटी में दिया होगा, तो आपको अभी ये डिस्कस नहीं करना है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है. तो देखो बच्चों, ये वाली वैल्यू बस ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतने का होता है. कितने का होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया. अब बच्चों देखो, E by M की वैल्यू इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, इतनी वैल्यू आई. मिलिकन ने कैलकुलेट की, उसने सॉरी जे.जे. थॉमसन ने कैलकुलेट किया था. अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू किसने कैलकुलेट करी? मिलिकन ने कैलकुलेट करी. तो बच्चों ध्यान से देखो, मुझे E by M का रेशियो पता है कितना है, 1.76 × 10⁻¹⁹ ठीक है, कूलम पर केजी. अब बच्चों मुझे इलेक्ट्रॉन पे E की वैल्यू भी पता है. ये किसने कैलकुलेट किया? ये कैलकुलेट किया मिलिकन ने. क्या होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या मेरी बात समझ में आई? तो मुझे E की वैल्यू पता है और E by M की वैल्यू पता है, तो क्या यहां से M की वैल्यू आ जाएगी? M मतलब क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 9.1 × 10⁻³¹ केजी. तो यहां से क्या आता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है. ठीक है, अगर आपको सिर्फ वैल्यू भी याद है तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या याद, अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? E by M का रेशियो कांस्टेंट होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, पहली इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है. दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतने का होता है और इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है. बस यहां तक यही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी इसके पहले वाला पार्ट सब बोर्ड का था. ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद का बात पढ़ता हूँ. ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस एंड इनकैंडेसेंस में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है ना. तो देखो फ्लोरोसेंस क्या होता है? फ्लोरोसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब लाइट. ठीक है ना. तो मैंने जैसे कि बताया था आपको, जैसे कोई लाइट किसी भी सब्सटेंस से पड़ेगी वो तुरंत ग्लो करने लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस बोलते हैं. ठीक है ना. अब देखो फॉस्फोरोसेंस मतलब क्या होता है? अनलाइक फ्लोरोसेंस. ठीक है ना, फॉस्फोरोसेंस फ्लोरोसेंस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता. तो फॉस्फोरोसेंस क्या होता है? ए फ्लोरोसेंस री इमिट द रेडिएशन इट एब्जॉर्ब. तो फॉस्फोरोसेंस में भी क्या होता है? ये भी जो एब्जॉर्ब लाइट होती है उसको एमिट करता है,
और फ्लोरोसेंस भी क्या होता है, एमिट करता है, पर दोनों सेम क्यों नहीं होते? ये एब्जॉर्ब लाइट को तुरंत एमिट करता है, जबकि ये क्या करेगा, कुछ टाइम बाद एमिट करेगा, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। इनकैंडेसेंस मतलब क्या होता है? इनकैंडेसेंस इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहां पे भी देखो एमिशन होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये रेडिएशन का, फ्रॉम ए हॉट बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो देखो यहां पे क्या होगा, जैसे मान लो आप किसी भी आयरन को हीट करते हो, तो जब किसी आयरन को हीट करोगे तो क्या होगा, वो देखो रेड कलर का हो जाता है जहां से आप हीट कर रहे हो, तो रेड कलर का हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, देखो वहां से कुछ रेडिएशन एमिट करती है, तो वहां पे रेडिएशन एमिट क्यों कर रही है, क्योंकि आपने उसको हीट किया हुआ है, तो टेम्परेचर की वजह से कर रही है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंस बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बट इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ फ्लोरोसेंस के बारे में पढ़ना है, तो ये दोनों मैंने फिर भी आपको बता दिया कि क्या होता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा आयरन का, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करने लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चा देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जितना भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको देखो थ्योरी फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक कैथोड रे इज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वैक्यूम ट्यूब ट्रेवलिंग फ्रॉम निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और कैथोड से कहां मूव करती है कैथोड रे, एनोड साइड में, और एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बीम। कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन बीम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसे लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम्स बोलते हैं, ठीक है। अब कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि कैथोड रे क्या होती है, ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। दूसरा, कैथोड रे क्या होती है, इनविजिबल होती है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा, कैथोड रे क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है और एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी हम लोगों ने और एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी तो कैथोड रे डिफ्लेक्ट कर गई थी, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा स्ट्रांग फील्ड होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, या फिर आप ये बोल सकते हो जितना ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है ना, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, या फिर आप बोल सकते हो जितना मास कम होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो आपको ये वन बाय वन सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी फॉर्म है और ऐसे क्वेश्चन नीट और जेईई में नहीं पूछे जाते, आपसे सिर्फ बोर्ड का क्लास में पूछे जाएंगे। तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग इतने पार्ट को जल्दी से नोट करिए, फिर बाकी की प्रॉपर्टीज में आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो, कैथोड रे की कुछ मैं और प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। तो तीन प्रॉपर्टीज मैंने अभी डिस्कस की, तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, कैथोड रे प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन मेटल सरफेस। तो देखो कैथोड रे एक्चुअल में क्या है, एनर्जी है, ठीक है ना। जब कोई एनर्जी किसी भी मेटल पे पड़ेगी तो क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है। और हीट प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा, उससे मेटल का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। अब दीज रेस प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। अभी फ्लोरोसेंस मैंने बताया था क्या होता है, जैसे ही जेडएनएस की स्क्रीन पर कैथोड रे पड़ेगी तो जेडएनएस की जो स्क्रीन थी वो लाइट सेंसिटिव होती है, वो तुरंत ग्लो करने लगेगी, और उसी तुरंत ग्लो करने को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, दे कैन अफेक्ट ए फोटोग्राफिक प्लेट। तो कैथोड रे फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है, क्यों, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट भी क्या होती है, लाइट सेंसिटिव होती है, ठीक है ना। और जैसे कैथोड रे पड़ेगी तो वो इसको भी इफेक्ट कर देती है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होती है, ठीक है। और ये एक सेवंथ पॉइंट आपको याद रखना है, दीज रेज आर आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्स रेज। तो एक्स रे को प्रोड्यूस करने के लिए भी कैथोड रे का यूज होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस पॉइंट्स को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद में आपको डिस्कस करता हूं आगे।